हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज फिर न्यू वीडियो लाई हूँ आलमंड चॉकलेट नट्स जिसे कहते हैं। इसे बनाने में बहुत आसान है, उतना ही खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले लिया, पैन भी ले सकते हो नॉनस्टिक, और इसमें हम चीनी डालेंगे। तो ये चीनी मैंने, आपने देखा होगा मैंने घेवर बनाया था उसमें का ये बच गया था, तो आप नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हो। इसको अभी हम गला लेंगे और इसमें हम बादाम डाल देंगे और इसको कैरमलाइज करेंगे। ये पूरा अच्छे से बादाम के ऊपर कोट हो जाना चाहिए और इसे चलाते रहना है, नहीं तो ये एक ही जगह पे चिपक सकता है। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे ये चिपक रहा है बादाम पे और ये धीरे धीरे रेड हो जाएगा, जैसे कैरेमल आपने देखा है ना वैसा हो जाएगा इसका सिरप। देखिए हो गया ना कैरेमलाइज। अब इसको ऐसे ही थोड़ी देर चला के अच्छे से बाइंडिंग करके हम इसको अलग से निकाल लेंगे, इसको हम ड्राई करेंगे। तो देखिए ये हो चुका है, यहाँ मैंने टिश्यू ले लिया है, ये बटर पेपर है, आप उस पर डाल के इसको ड्राई कर सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ। इसको अच्छे से सब निकाल देना है अच्छे से, और ये अभी बहुत काफ़ी गर्म है, इसको चम्मच के सहायता से हमें फैला लेना है। और जो कढ़ाई में है वो भी उसमें डाल देना है और इसको चम्मच के सहायता से एक 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 फैला लेना। देखिए ये ड्राई हो रहा है तो ये एक में चिपक रहा है, इसके लिए हमें गर्म में ही इसे अलग करना है। अब इसको चॉकलेट कोटिंग के लिए मैंने डार्क कंपाउंड लिया है, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है या केक शॉप पे या डीमार्ट में, तो ये मैंने डीमार्ट से लाया था। तो यहाँ एक स्लाइस मैं काट लूँगी और इसको बारीक बारीक चूरा कर लूँगी चाकू के सहायता से, क्योंकि हमें इसको गलाना है। तो ये पूरा एक साथ डालेंगे तो जल्दी नहीं गलेगा, तो इसको हम अच्छे से काट लेंगे। ध्यान से काटना है, हाथ नहीं काट लेना है। ये मेरा थोड़ा नरम ही था, अगर आपने फ्रिज में रख दिया हो तो उसको 15 से 20 मिनट बाहर ऐसे ही रख देना है। और यहाँ मैं टोप में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ, आप कांच के बाउल में भी डाल सकते हो। और यहाँ मैंने एक टोप में पानी रखा है और ये जिसमें चॉकलेट है उसको मैंने उसमें रख दिया है, तो क्या गर्म पानी से ये पिघल जाएगा पूरा चॉकलेट। तो आप देख सकते हो मैं चम्मच से हिला रही हूँ तो देखिए पूरा पिघल गया है चॉकलेट। इसको ऐसे ही चलाते रहना है, नहीं तो ये भी पकड़ लेगा नहीं तो टोप में। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे ये पूरा चॉकलेट गल चुका है डार्क कंपाउंड। अभी इसे क्या करना है, जो हमने कैरमलाइज किया था आलमंड उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करना है और थोड़ा थोड़ा चॉकलेट लेके इसे कोट करना है। सब एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है जैसे मैं डाल रही हूँ, और इसको मिक्स करते रहना है। और जब ये सब चॉकलेट आप डाल के मिक्स कर देंगे तो एक एक आलमंड निकाल के आप फैला लेना और उसको जल्दी ड्राई होने के लिए आप फ्रिज में रख देना। तो ये क्या जल्दी कोट हो जाएगा चॉकलेट। ये अभी देखिए हम गरम गरम डाल रहे हैं तो ये जल्दी नहीं ड्राई होगा। तो आप एक एक आलमंड निकाल के आप टिश्यू पे रख के या बटर पेपर पे आप फ्रीज़र में रख सकते हो, नहीं तो नॉर्मल फ्रिज में, तो ये पूरा कोट हो जाएगा। तो देखिए ये मेरा हो चुका है, लग रहा है ना एकदम स्वादिष्ट। ये मैं आपको काट के भी बताऊंगी, ये आपको चॉकलेट, डार्क चॉकलेट ज़्यादा मीठा नहीं रहता है। ये देखिए अब मैं एक आपको काट के दिखाती हूँ, मस्त हुआ है ना क्रिस्पी, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, मैं सच बता रही हूँ। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।